दोस्तों, जैसा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों ने स्क्रीन में देख लिया है या फिर थंबनेल की बात करें, तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आप नॉर्मल स्क्रीन को अट्रैक्टिव स्क्रीन में किस तरह चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने थंबनेल में देखा था कि नॉर्मल स्क्रीन है और साइड में आप लोग देख रहे होंगे तो अट्रैक्टिव स्क्रीन है, तो इसको इस तरीके से किस में चेंज कर सकते हैं। तो आज मैंने बहुत से लोगों को देखा था कि वो नॉर्मल स्क्रीन जैसे कि फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें डिफॉल्ट रूम में जो चीज़ दे दी जाती है वो उसी तरीके यूज़ करते हैं, बट उनको अट्रैक्टिव चीज़ यूज़ करनी होती है बट वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे और एक एक चीज़ करके दिखाएंगे कि जो नॉर्मल स्क्रीन थी आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, जो नॉर्मल स्क्रीन है इसको इस तरीके की स्क्रीन में किस तरीके चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग को अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, अगर आपका ओप्पो का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है या एमआई का फ़ोन है, तो उसमें अलग अलग तरीके के अकाउंट्स दे रहते हैं कि अगर एम आई का फ़ोन है तो एम आई अकाउंट होगा, वीवो ओप्पो का जो भी तरीके का अगर अकाउंट है तो आप उस जाकर उसमें सिंपल सा लॉग इन हो जाइए। सबसे पहले आपको ये काम करना है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि थीम का ऑप्शन दे देते हैं बट उनको यूज़ नहीं करना आता है, किस तरीके यूज़ किया जाता है। तो आज एक एक चीज़ बताएंगे और आप लोगों ने जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल स्क्रीन से अट्रैक्टिव स्क्रीन में किस तरीके चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग का ओप्पो वीवो एम आई का कोई भी फ़ोन हो तो उसमें अपने पहले एम आई अकाउंट्स जो होते हैं उसमें जा करके साइनअप हो जाइए। साइनअप होने के बाद आगे का पूरा प्रोसेस, एम आई का मेरे पास फ़ोन है मैं उससे आपको पूरा पूरा बता दूंगा और एक एक चीज़ समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ से ओप्पो वीवो एम आई के सारे प्रोसेस सेम है। तो आपको ले चलते हैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन में और दिखाते हैं कि इसको किस तरीके यूज़ करना है। दोस्तों की जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को अपने एम आई अकाउंट में जाकर लॉगिन हो जाना है, वीवो का अकाउंट है या फिर ओप्पो का कोई भी आपका अकाउंट है फ़ोन है तो आप उसमें अकाउंट में जाकर लॉगिन हो सकते हैं। आपको अकाउंट कहाँ मिलेगा, सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे जैसे देख रहे हैं कि मेरा एम आई का फ़ोन है तो मैंने यहाँ पर एम आई लिख दिया है। आपका कुछ भी फ़ोन होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको साइनअप हो जाना है। तो साइनअप होने के बाद आपको क्या करना है, थीम जैसे ऑप्शंस पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो थीम जैसे आप से तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में आपको एक थीम मिली होगी जिसे आप यूज़ करे होते हैं हमेशा के लिए, और उसे चेंज करना चाहें तो आपको बहुत ही अलग अलग तरीके की थीम देखने को मिल जाएगी। तो आपको जैसे कि थीम में क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी थीम है, जो आपको अच्छी लगे वो आपको पहले पसंद कर लेनी है। पसंद करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे डाउनलोड फॉर फ्री लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर फिर अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर अप्लाई कर देंगे, बस आपको इसी तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आपका डिफ़ॉल्ट रूम में कैसा था और आप देख रहे हैं कि अब कैसा हो गया है। जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको दिखाया था कि थीम किस तरीके है, तो वो मैंने इस तरह की थीम लगाई थी और आप देख सकते हैं कि इस तरह की थीम देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस तरह का आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने का। तो आपको क्या करना है, इस तरह की थीम आपको मिल जाएगी। अगर आपका एम आई का फ़ोन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका नाम ये है टीजरेक्ट 3D999 नाम है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जा करके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ओप्पो का नाम है, आपका वीवो का फ़ोन है तो आप लोग को इससे भी अच्छी मिल जाएगी। तो जहाँ पर देख लीजिए मेरे में अप्लाई लिख के आ रहा है वहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर फ्री लिख के आ रहा होगा या डाउनलोड लिख के आ रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड हो जाएगी तो वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके आप अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ बढ़िया आ रही है और यहाँ का थीम काफ़ी अच्छा, ज़्यादा स्लो हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और यहाँ का इसका बैकग्राउंड भी पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा वो चेंज हो चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और देखने में अच्छा लग रहा है। तो मेरा मेन मकसद था वो मैंने फिलहाल आपको बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इसी तरह की कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कोरोना टेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय।